Hello students, how are you? I hope you are doing well and enjoying your studies. My name is Enjo, your backup teacher, and you are watching my channel Organjo Chem. Let's start our interaction. Hello students, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि एल्कीन और एल्काइन की वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जिसमें क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है उनमें रेट को किस तरह से डिसाइड करते हैं। इसके लिए हम एक बेसिक एल्कीन की रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टास्क यहाँ पे रेट को कंसिडर करना है और इसके पार्ट फर्स्ट में हमने इसके मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस रिएक्शन में ये जो एल्कीन है मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप RDS में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करती है और ये कार्बोकैटायन रिएक्शन के अगले यानी लास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के अटैक के कारण हमारे पास इस रिएक्शन के फाइनल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। क्योंकि इस रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन बना है ये क्लासिकल कार्बोकैटायन कहलाता है और ये कार्बोकैटायन इसके फर्स्ट स्टेप यानी स्लो स्टेप जिसे RDS कहते हैं उसमें बनता है। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की रेट कैसे डिसाइड होती है। इस रिएक्शन की जो रेट है वो कई सारे पैरामीटर पर डिपेंड करती हैं, जैसे नंबर वन जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट होगी और इस रिएक्शन में हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगी। ठीक है, अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सेकेंड पैरामीटर हमारे पास ये बना जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो इससे रेट भी बढ़ जाएगी। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, यानी अगर हम R जो है वो ऐसे ग्रुप लगाएं जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करें, यानी ये जो R होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए और ये ग्रुप क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट जैसे प्लस आई प्लस एच और प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और इसके कारण इस कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बढ़ गई तो रेट भी बढ़ जाएगी क्योंकि ये कार्बोकैटायन RDS स्टेप में बन रहा है। बिल्कुल इसका अपोजिट अगर R जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हुए, यानी ऐसे ग्रुप या एटम जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करते हैं अपने माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट के थ्रू, तो ये क्या करेंगे कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच लेंगे यानी उसे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होने से उसकी रेट भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम एल्कीन और एल्काइन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कंपेयर करते हैं कि इनमें से किसकी रेट फास्ट आएगी। इसके लिए हम एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल से करवाते हैं, यानी हम इसका केवल RDS ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे हमारे पास एक सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह अगर हमारे पास ये टर्मिनल एल्काइन रही होती और इसकी रिएक्शन अगेन हम H पॉजिटिव से करवाते हैं और अगेन इसके केवल RDS को ही डिस्कस करते हैं तो इसमें जो हमारे पास कार्बोकैटायन बनता वो अगेन हमारे पास सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन बनता। यहाँ पर हम R को एल्काइल ग्रुप मान के चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। इसका सिंपल सा रीजन ये है जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि कार्बोकैटायन RDS में बन रहा है। तो जो रिएक्शन सेकेंड यानी एल्काइन की जो रिएक्शन है इसमें ये कार्बोकैटायन जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर बनता है, यानी ये विनाइल कार्बोकैटायन कहलाता है। ठीक है, इस कार्बोकैटायन में सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, इसमें 1.2 शिफ्ट कभी नहीं होती जिसको हम डिटेल में इसके पार्ट फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं जहां हमने इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। जबकि ये वाला कार्बोकैटायन जो है ये इजीली 1.2 शिफ्ट दे सकता है। बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कार्बोकैटायन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इस कंडीशन में जिस कार्बन पे वो रखा गया है इसके परसेंटेजेस करेक्टर ज्यादा होंगे, इसके क्या होंगे
परसेंटेज एस करेक्टर जो होंगे ज्यादा होंगे, जो इसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाकर इसकी स्टेबिलिटी को घटा देंगे। तो जो एल्कीन की रिएक्शन होगी यानी एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होंगी वो एल्काइन से फार बेटर होंगी। एग्जाम्पल नंबर वन, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक एल्कीन दी हुई है जिसमें आर की डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। इसमें टोटल 8 वैल्यूज हैं और इन सभी केस में हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट को निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एल्कीन के जो इसका आरडीएस स्टेप होगा उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये एक कार्बोकैटायन बनेगा जो बेंजीन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे है, यानी इसमें बेंजीन का जो प्लस एम जो होगा वो वर्क करेगा, यानी कार्बोकैटायन बेंजीन के अंदर एंटर कर सकता है। तो इन सभी 8 एग्जाम्पल में बेंजीन तो कॉमन है तो सभी में बेंजीन का प्लस एम तो लगेगा। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा हमारे पास है ये आर ग्रुप। ये जब बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा तो 3 जगह पर माइग्रेट करेगा, 2 जगह होंगी ऑर्थो और 1 जगह होगी पैरा। जब पैरा पोजीशन पर ये पहुंचेगा तो ये जो आर ग्रुप है उस पर कौन सा इफेक्ट लगाएगा इससे इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन 8 के जो 8 ग्रुप दे रखे हैं इनके हम डोमिनेंट इफेक्ट लिख लेते हैं। जैसे एच का कोई भी इफेक्ट नहीं है, मिथाइल का डोमिनेंट इफेक्ट प्लस एच है, ओएमई का डोमिनेंट इफेक्ट प्लस एम, ओएच का डोमिनेंट प्लस एम, नाइट्रो में डोमिनेंट हो गया माइनस एम, सीएल में डोमिनेंट माइनस आई, सीएन में माइनस एम और टर्शरी ब्यूटाइल में प्लस आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, जिनका भी इफेक्ट कॉमन है उनको आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सा हमको प्रायोरिटी में रखना है। जैसे OH और OME दोनों में प्लस एम इफेक्ट है, बट जो OH का प्लस एम इफेक्ट होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। इसी तरह नाइट्रो और CN का दोनों का माइनस एम इफेक्ट है, बट इसमें नाइट्रो का जो माइनस एम इफेक्ट होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इसमें जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन से ग्रुप बढ़ाएंगे जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और कौन से ग्रुप घटाएंगे जो इलेक्ट्रॉनों से विड्रॉल करेंगे। तो इन सभी केस में जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा आएगा 4 देन 3 देन 2 8 1 6 7 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आरडीएस में बना तो रेट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, रेट का ऑर्डर भी बिल्कुल सेम आएगा 4 3 2 8 1 6 7 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में हमारे पास सिस और ट्रांसब्यूटीन है। इन दोनों ही केस में अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एग्जैक्टली सेम आएगी। अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेम आती है तब हमको इसकी रेट किस तरह से निकालनी है, तब हमको रेट निकालनी है इन एल्कीन की इंडिविजुअल स्टेबिलिटी से। तो रेट जो होगी वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, और ये जो रिलेशन है कब यूज करना है, जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बराबर आ रही है तब। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, एक हमारे पास ये सिस एल्कीन है क्योंकि इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप जो है सेम साइड में है, ये हमारे पास ट्रांस एल्कीन है इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप जो है डायगोनल है। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जो हमारे पास ट्रांस एल्कीन आएगी उसकी स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा आएगी, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेट की बात करें तो जो रेट होगी वो सिस वाली एल्कीन की ट्रांस से ज्यादा आएगी। सिस और ट्रांसब्यूटीन की रिएक्शन के रेट के डिफरेंस को इसके पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है जिसमें इस एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी रखी गई है और इस एक्सिस पर रिएक्शन के कोऑर्डिनेट रखे गए हैं। जो ट्रांसब्यूटीन है उसके इस डायग्राम में व्हाइट लाइन से शो किया गया है, और जबकि सिस ब्यूटीन के पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को रेड लाइन से शो किया गया है।
तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों एल्कीन के इस डायग्राम में कितनी सिमिलरिटीज हैं। पहले नंबर की सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में ही दो ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं, जिसमें से फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा आती है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण इसकी रेट स्लो होती है, इसलिए ये जो होता है आरडीएस स्टेट बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही इंटरमीडिएट स्टेज के बीच में एक कार्बोकैटायन बनता है। ये दोनों ही एल्कीन में सिमिलर कार्बोकैटायन होता है, जो कि सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन होगा, और इसमें 5α H का हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट होगा, यानी दोनों ही एल्कीन सेम स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगी। और तीसरी सिमिलरिटी है दोनों से बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट। इन दोनों ही रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो भी सेम आता है, बट इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है इस रिएक्शन की एक्सोथर्मिसिटी का। ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास ट्रांस एल्कीन की एक्सोथर्मिसिटी है, जबकि यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास सिस एल्कीन की एक्सोथर्मिसिटी आएगी। तो दोनों ही केस में जो सिस एल्कीन है उसकी एक्सोथर्मिसिटी ज्यादा आएगी, इसलिए सिस एल्कीन की जो रिएक्शन है वो ट्रांस एल्कीन के कंपैरिजन में मोर फिजिबल और मोर फास्ट होंगी। ठीक है, एग्जांपल नंबर थर्ड नंबर एग्जांपल में हमारे पास हेलो एल्कीन दी गई है, और इसमें फोर डिफरेंट टाइप्स के हेलोजन हैं, जिनके रिस्पेक्ट में इनका रेट ऑर्डर K1, K2, K3, K4 मेंशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एल्कीन की HCl के H पॉजिटिव से रिएक्शन करेंगे, और इसके RDS स्टेप को कंसिडर करते हुए इसका वेरी फर्स्ट कार्बोकैटायन को बना लेंगे। ये हमारे पास इसके RDS स्टेप में बनने वाला कार्बोकैटायन है। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये हेलोजन के कारण अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि हेलोजन जो है अपने प्लस M के थ्रू इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगी। कार्बोकैटायन में 2p ऑर्बिटल वेकेंट होता है, और हेलोजन अपने प्लस M से इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी। अभी स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही हेलोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इसमें दो लोन पेयर अभी बचे हुए रहेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि कार्बोकैटायन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी हेलोजन के प्लस M के कारण इसका जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट इसमें तो चारों के चारों हेलोजन है, तो इस कारण से इसमें होगा क्या कि कौन सा हेलोजन ज्यादा स्टेबल, ज्यादा बेटर प्लस M लगा पाएगा, उसकी रेट ज्यादा आएगी। तो अगर हम हेलोजन को कंसिडर करें तो इसमें हमारे पास प्लस M का जो ऑर्डर आता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, Br और I आता है। अब क्वेश्चन ये बना, ये प्लस M का ऑर्डर कैसे आ गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बेसिक एग्जांपल को समझते हैं। मान लो हमारे पास कार्बोकैटायन है, इसके एडजेसेंट हमने F लगा दिया, और एक एक्सट्रीम केस कार्बोकैटायन जिसके एडजेसेंट हमने I लगा दिया। चूंकि कार्बोकैटायन में 2p ऑर्बिटल खाली होता है, यानी ये जो होगा 2p ऑर्बिटल में हेलोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और फ्लोरीन में जो लोन पेयर होता है वो उसके 2p ऑर्बिटल में है, जबकि आयोडीन में ये लोन पेयर 5th p ऑर्बिटल में होता है। यानी फर्स्ट केस में 2p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि सेकेंड केस में 5th p 2p को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में इनकी मिसमैच जो है कम है, जबकि दूसरे वाले केस में इनकी मिसमैचिंग जो है ज्यादा है। तो मिसमैच कम होने पर बेटर प्लस M लगता है, तो इन दोनों में से जो वेरी फर्स्ट कार्बोकैटायन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें इफेक्टिव प्लस M लगेगा। तो इस कारण से F का प्लस M ज्यादा और I का प्लस M सबसे इस सीरीज में पुअर होगा। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन किसका बनेगा, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा जब एक्स की वैल्यू F हो। तो सबसे ज्यादा रेट किसकी आएगी, तो यहां पे रेट का ऑर्डर जो आएगा वो हमारे पास आएगा K1, K2, K3 एंड सबसे पुअर ऑर्डर आएगा K4 का, क्योंकि उसमें सबसे लीस्ट स्टेबल होगा कार्बोकैटायन इस सीरीज का। एग्जांपल नंबर फोर नंबर एग्जांपल में हमारे पास दो केस A और B मेंशन है, और दोनों ही केस में हमारे पास दो दो एल्कीन दी गई है। अगर हम केस ए की बात करें
हम क्या करें, इन दोनों एल्कीन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल एच पॉजिटिव के अटैक से इनके आरडीएस स्टेप में बनने वाले कार्बोकैटायन को कंसिडर करें, ठीक है। यानी इनके जो आरडीएस स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनेगा, अगर हम वो कंसिडर करें तो पहली वाली एल्कीन में सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, जबकि दूसरे वाली एल्कीन से भी हमें सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। अगर हम पहली वाली एल्कीन को कंसिडर करें, ये सिमेट्रिकल एल्कीन होने के कारण इन दोनों कार्बन से ही इक्वल स्टेबिलिटी का सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन बना सकती है, जबकि ये वाली एल्कीन अनसिमेट्रिकल होने के कारण इसमें केवल इसी कार्बन से सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है। तो इन दोनों एल्कीन का अगर हम कंपैरिजन करें तो फर्स्ट एल्कीन में हमको इक्वली स्टेबलाइज कार्बोकैटायन दो जगह से बनने के कारण इसकी जो रेट है वो ज्यादा आएगी। इसी तरह अगर हम बी केस को कंसिडर करें तो बी केस जो है हमको ए केस के फर्स्ट लुक में पैरेलल दिखता है, बट ये पैरेलल एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी हम क्या करते हैं, उसी तरीके से एच पॉजिटिव को ऐड करके इसके आरडीएस स्टेप के बनने वाले कार्बोकैटायन को कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट एल्कीन में हमको सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा, इसी तरीके से सेकेंड एल्कीन को कंसिडर करें तो इसमें भी हमको सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन मिला। बट इसमें डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आया इस हिस्से का, ये जो हिस्सा है हमारे पास CH2PH है, वो क्या करेगा, इस एल्कीन पर अपना माइनस आई ऑपरेट करेगा और माइनस आई के कारण ये इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेगा और इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है घट जाएगी। अब चाहे कार्बोकैटायन इस हिस्से पे बने या इस हिस्से पे बने, दोनों इक्वल स्टेबलाइज होने के कारण CH2PH हमेशा अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जबकि इस एल्कीन से जो कार्बोकैटायन बना है वो इस Me के प्लस आई और प्लस एच से स्टेबलाइज है। इसी तरीके से ये कार्बोकैटायन इस बेंजीन के एडजेसेंट है, इसलिए बेंजीन के प्लस एम के थ्रू भी स्टेबलाइज होगा। तो यानी सेकेंड कार्बोकैटायन में कोई भी उसको ऐसा फैक्टर नहीं है जो उसको डिस्टेबलाइज कर सके। इसलिए इन दोनों एल्कीन के अगर रेट की बात की जाए तो इस एल्कीन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा आएगी। अब बात करते हैं बी केस के सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन की ए केस के इस सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन के साथ। देखो इसमें जो CH2Me वाला हिस्सा है ये हमेशा इस कार्बोकैटायन पर अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और प्लस आई इफेक्ट के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन से इस कार्बोकैटायन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो गाइज इस वक्त आपके डिवाइस की स्क्रीन पर टोटल 4 क्वेश्चन मेंशन है और हर क्वेश्चन में आपके पास दो दो ऑप्शन है। आपको करना क्या है, इन सभी एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट को प्रेडिक्ट करना है। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं या वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आई होप आपने इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास एल्कीन के सी डबल बॉन्ड सी के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच इसमें 6 है। इसी तरीके से इसके बी ऑप्शन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच इसमें भी 6 है। जनरली हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा एच एल्कीन में जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, बट इस केस में दोनों एल्कीन में अल्फा एच की संख्या बराबर होने के कारण हमें इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंपाउंड फर्स्ट की हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इससे हमारे पास एक 1 डिग्री कार्बोनेन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा, जबकि सेकेंड कंपाउंड की जब आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इसमें सेकेंड डिग्री कार्बोनेन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा। अगर इन दोनों कार्बोनेन की जो एज ए इंटरमीडिएट बनते हैं स्टेबिलिटी को हम बात करें तो 1 डिग्री कार्बोनेन की स्टेबिलिटी जो है कंपेरेटिवल सेकेंड से ज्यादा आती है। इसलिए अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो होंगी वो ए में ज्यादा इफेक्टिवली बनेंगी, क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बोनेन बन रहा है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से जो ए एल्कीन होगी वो बी से ज्यादा बेटर होगी। और इस वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है
कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो इसमें जो रेट आएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट जो आएगी वो बी की ए से फास्ट आएगी, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में एल्कीन के सी डबल बॉन्ड सी के रिस्पेक्ट में पहले केस में हमारे पास 4 अल्फा एच है, इसी तरीके से सेकंड केस में हमारे पास अगेन 4 अल्फा एच है, यानी इसमें भी हमारे पास अल्फा एच की संख्या बराबर है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जब आप कंपाउंड फर्स्ट से हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो इससे हमारे पास 1 डिग्री कार्बनाइन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा, और सेकंड से आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इसमें हमारे पास 2 डिग्री कार्बनाइन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा, और दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें 1 डिग्री कार्बनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कंपाउंड सेकंड के ए ऑप्शन की जो एल्कीन है उसकी हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा इफेक्टिव होंगी, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से ए एल्कीन बी से बेटर होगी। और रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जो बी एल्कीन है वो ए से बेटर रिएक्शन देगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में हमारे पास साइक्लिक एल्कीन दी गई है, इसकी स्टेबिलिटी जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में कितने हैं इसके बेस पे डिसाइड होती है। अगर रिंग में हमारे पास 3 से लेकर 11 कार्बन तक है ऐसे केस में सिस एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अगर कार्बन की संख्या 12 कार्बन से अबव है तो ऐसे केस में ट्रांस एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे फर्स्ट केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 है और ए ऑप्शन जो है इसका ट्रांस एल्कीन है, जबकि बी ऑप्शन जो है इसका सिस एल्कीन है। तो ए हमारे पास हुआ ट्रांस एल्कीन और बी हमारे पास हुआ सिस एल्कीन, और कार्बन की संख्या इसमें है 10, तो ऐसे केस में सिस एल्कीन विल बी द मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आएगी, बी की ज्यादा आएगी ए से, और रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगी ए की बी से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अगेन साइक्लो एल्कीन है, जब इसमें कार्बन की संख्या को आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 12 आएंगे, यानी इस केस में अगर हम देखें तो फर्स्ट एल्कीन जो है हमारे पास सिस एल्कीन है, यानी ए जो है सिस एल्कीन है, और इसी तरह अगर हम बी को कंसिडर करें ये हमारे पास ट्रांस एल्कीन है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास 12 अगर कार्बन है तो ऐसी कंडीशन में ट्रांस यानी स्टेबिलिटी जो है वो बी की ज्यादा आएगी ए से, और अगर रेट की बात करें रेट स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो रेट ए की ज्यादा आएगी बी से, करेक्ट है। ओके गाइस, लेट्स पॉज आवर इंटरेक्शन एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।